प्रदेश की राजनीति में गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद को प्रस्तुत किया। अनिल विज ने कहा कि वे अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और यदि वे आगे नहीं आएंगे तो ट्रायल कैसे पूरा होगा। उनका कहना है कि लोगों को इस ट्रायल में अधिक से अधिक संख्या में आगे आना चाहिए। पूरे देश में 28,800 लोगों पर यह ट्रायल होना है और तीसरा ट्रायल पूरा होने के बाद वैक्सीन बाजार में आ जाएगी और लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए अनिल विज ने कहा कि वे इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यदि वे ही शुरुआत नहीं करेंगे तो और लोगों से वे क्या उम्मीद करेंगे। इसके साथ ही अनिल विज पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया है। PGI रोहतक से आई डॉक्टरों की टीम ने पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य का परीक्षण किया, उसके बाद उन्हें कोरोना वैक्सीन दी गई। अनिल विज का कहना है कि इस ट्रायल के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छे सफल नतीजे आएंगे। बतौर मंत्री अनिल विज विश्व के पहले ऐसे मंत्री बने हैं जिन पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। जब अनिल विज से पूछा गया कि उन्हें डर नहीं लगा तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, उन्हें कोई भी नहीं डरा सकता। नहीं, आप देखिए, अब किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अब ये ट्रायल तो ह्यूमन पर ही होना है और लगभग दो फेज का पहले हो चुका, सफल ट्रायल हो चुका, तीसरे फेज का अब हो रहा है जिसमें 25,800 लोगों पर ये ट्रायल किया जाएगा। तो मैंने अपने आप को इसलिए ऑफर किया है कि बाकी लोग भी निर्भीक होकर इसके लिए आगे आएँ ताकि जल्दी से जल्दी ये जो परीक्षण का दौर है वो पूरा हो सके और लोगों को ये जो कोरोना वैक्सीन है मिल सके। उन पर पूरा भरोसा है और इसमें 25 हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हमेशा लीडरशिप बाय एग्जांपल करते हैं, उन्होंने अपने आप को एज ए हेल्दी वॉलंटियर ऑफर किया है इस वैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल में। और फेज वन और फेज टू के जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं वो काफी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं और हमें उम्मीद है कि फेज थ्री के रिजल्ट्स एनकरेजिंग आने के बाद में मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। हो चुके हैं।